feeling? Tell me. I'm feeling absolutely, it's like I am speechless because this is a very priceless moment. It's my album and it's my originals, right? So it's a very big opportunity for me to showcase what I have, what I can do, and my love for music. So it's a very big moment for me. Who are your biggest influences? Starting with my dad, he started music for me in my life. I saw him, then I started practicing. And then from all the gurus I've learned from Fiji and abroad, Mr. Vivekananda ji back in Fiji, he was my first professional guru. And then my dad was my guru also. And Mr. Pradeep Pandit ji, he teaches me classical music. And Shankar Madhavan Academy, they're all influences. Any particular line that has grabbed your attention in any of these songs? Any particular line that you've loved? Every song has a favorite line. For example, I would say in Kya Ho Gaya, Can we hear is Hai Chand, only those lines. Hai Chand. Music, can you identify particular moments when this happened? The first hearing is always special. So I was casually at home and I got the rough version of the song, and at that very moment, emotionally, I might say I was happy. I was excited to see how it was gonna come out. So yeah, that's the only thought I got, and that was it. Tell us something about your title, Kya Ho Gaya? Kya Ho Gaya is very relevant to what is happening actually right now. It's because I had never expected all this to happen. Maybe not now, this is very soon. So it's like I had passion for music since childhood, but I had never thought that I was gonna be launched by T-Series, and I thank them so much for this moment. So it's like Kya Ho Gaya, Kya Karne Ja Rahi Thi, aur Kya Ho Gaya. से सारे और बहुत ही अच्छे हैं। क्या हो गया, जैसे कि मैंने अंदर बोला कि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ छोटा सा, हाँ सोची थी कि बाद में होगा, लेकिन इतना जल्दी, तो उसी पे बेस्ड है एल्बम का नाम क्या हो गया। 5 गाने हैं।
उसमें से दो नवीन मनीष सर के बने हुए हैं और उसमें से तीन प्रति पंडित सर के बने हुए हैं। सारे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जी। जी मैं छोटे से ही एक ये जो फैमिली होता है ना उससे बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन पे, तो छोटे से ही देखती थी कि घर पे म्यूज़िक का माहौल है तो उसी से ही मैं मेरा इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में वो बढ़ी। तो मैं पापा से थोड़ा जो बेसिक्स होता है वो सीखी, फिर धीरे धीरे करके मुझे पापा ने गुरुजी के साथ क्लासेस पे शुरू कर दिया, वो मिस्टर विवेकानंद जी, उससे मैं हारमोनियम और थोड़ा वोकल सीखती थी। फिर उसी से म्यूज़िक जब अपने बेहतर होने लगता है गाना तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि और सीखना है और गाना है, तो उसी से ही मैं फिर शंकर माधवन अकेडमी ज्वाइन की मैंने 2014 में और अभी भी सीखती हूँ वहीं से। और फिर यहाँ पर इंडिया में भी बहुत से गुरु हैं मेरे अच्छे। तो हाँ अगर मेघना की बात करें तो वाई टू कीप द नेम ऑफ द क्या हो गया, व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ मेघना? वही मैं बोली कि क्या हो गया, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि क्या हो गया, ठीक है। तो हाँ तो यही है कि हम कभी सोचे नहीं थे, मैं स्पेशली कभी नहीं सोची थी कि ये सब होगा कि टी सीरीज़ मुझे लॉन्च करेंगे या तो कुछ ऐसे। तो यही है कि क्या हो गया, सोचा था कि कुछ छोटा सा होगा, मे भी बड़ा करूँगी लेकिन बाद में, तो इसीलिए ये टाइटल है क्या हो गया। पर तो टी सीरीज़ को बहुत बहुत थैंक यू कि मैं सिर्फ एक बिगनर हूँ अभी इंडस्ट्री में और मुझे ये मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। और यही मेरा एम है कि मैं दूसरों को इंस्पायर करूं, जैसे कि आपने कहा मैं काफ़ी छोटी हूँ अभी, तो मेरे से भी छोटे लोग कर सकते हैं, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैं ये कर रही हूँ। देखिए टैलेंट को करेक्ट प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट टी सीरीज इज लॉन्चिंग अ सॉन्ग्स एंड दे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और बहुत ही अच्छा कंपोज भी किया है और गाया भी बहुत अच्छा है, तो आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग टी सीरीज प्रमोटिंग अ सॉन्ग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखिए मैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, कंपोजिशंस भी बहुत अच्छे लगे, थैंक यू फॉर ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने इसमें ट्रैक बनाए हैं और उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगी मुझे, वेरी नेचुरल, वेरी टची, इमोशन भी है, एक्सप्रेशन भी है, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी बेटा, वेरी गुड वॉइस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका ये एल्बम अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और जिस तरह का टैलेंट है तो उनका फ्यूचर के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का फ्यूचर इनका देख रही हैं? अच्छा ही फ्यूचर होगा, मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। और आज के दौर में प्लेटफॉर्म है क्योंकि आज डिजिटल हो गया हर चीज़, तो अपना टैलेंट शोकेस करना जो आसान हो गया, लेकिन बहुत आसान हो गया। चैलेंज कितना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में? चैलेंज तो देखिए सर हर फील्ड में है, सिर्फ म्यूजिक के ही फील्ड में नहीं है, जिस भी फील्ड में आप हैं तो चैलेंज तो एक्सेप्ट इनको करना पड़ेगा, शी शुड है ना, और मुझे लगता है ये करेंगी। और ट्रैक अच्छे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पब्लिक शायद मेलोडी भी सुनेगी रैप के सेवा। देखिए नेचर एज अ सिंपल लॉ, आप जो बोगे वो पाओगे, अगर आप अच्छा काम करोगे मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है, आई एम श्योर शी इज गोइंग टू डू वेरी गुड। देखिए हमारे ज़माने में मेलोडी बहुत अच्छी थी और पूरा मतलब मेलोडी का दौर था, वो पूरा दशक की मेलोडी का था, नदीम चरण वगैरह आनंद वगैरह ने बहुत अच्छी मेलोडी बनाई थी, रहमान साहब ने भी डिजिटल के साथ मेलोडी को मेंटेन रखा था, पर आज का जो म्यूज़िक का दौर है आप देख रहे हैं कैसा, मेरी तो समझ में नहीं आता कैसा दौर चल रहा है, फाइन जो चल रहा है वो बिक रहा है, जो चल रहा है वो बिक रहा है। इस दौर में अगर मेलोडी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है तो इट्स ए गुड कोशिश, वेरी गुड कोशिश। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ, कुछ लोग बोलते हैं एवोल्यूशन और कुछ लोग मानते हैं कि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस कि
क्या होता है कि हम कहीं से शुरू होते हैं और फिर वहीं आ जाते हैं, तो जो नया दौर है, नई चीज़ें हैं, वो आई, वो कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस लेके आई हैं, बट ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस भी हैं। आजकल साउंड बहुत अलग हो गया है, बहुत चीज़ें हो गई, टैलेंट को बहुत प्लेटफॉर्म मिलने लगा है, बहुत सारी चीज़ें, और मुझे लगता कहीं ना कहीं म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, जो जिसमें सुर और ताल और एक्सप्रेशंस हो, इट ऑलवेज वर्क्स। सो जैसे अभी हमने इनके गाने सुने, दे वर वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू वर्क। में हम लोगों के दो गाने हैं, वी आर नवीन एंड आई एम मनीष, क्या हो गया जो टाइटल है वो हमारा गाना है, और एक तो है संप्रीत लगाई, दोनों रोमांटिक जॉनर के गाने हैं और मेघना की वॉइस को बड़ा सूट करते हैं, दोनों रोमांटिक जोनर के गाने हैं और मेघना की वॉइस को बड़ा सूट करते हैं, और ये दोनों गाने का लिरिक्स मैंने ही किया है। क्या हो गया गाना जो टाइटल रखा हुआ है, टीनेजर ग्रुप का गाना है और यूथ को बड़ा अपील करेगा ये गाना, और जो मेघना की वॉइस में एक इनोसेंटनेस है, एक भोलापन है, वो इस गाने को बड़ा सूट करता है। इस सॉन्ग ऑफ फर्स्ट लव, क्या हो गया, मनीष ने लिखा है, और दोनों गाने एक रोमांटिक गाने, और हमने इसमें फ्यूजन भी ऐड किया है, कोई संगीत और बहुत ही रोमांटिक नोट्स हैं, और हम लोग शंकर के किशन आर डी वाले को फॉलो कर रहे हैं, वही कलर हमने शंकर के किशन का इसमें लगाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें हमारे प्रोड्यूसर निकोलस जी का हमें बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से, हमें फ्री रखा है कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, तो हम लोग अपना जो बेस्ट हो सकता था वो किए, और मेघना ने बहुत ही अच्छा गया, हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये बहुत आगे जाएं, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इनकी। सबसे मेन जो वॉइस में बात है वो एक इनोसेंस ही, एक भोलापन जो मुकेश जी की आवाज़ में नजर आता है, वही चीज़ इनमें, तो मुझे बहुत खुशी है। हाल तो बहुत अच्छा और बहुत छोटा है, मगर ये जो जर्नी रही रिकॉर्डिंग के जो दौरान, मिस्टर निकोलस जी, आप फिजी से आप सब जानते हैं, और कुछ सालों पहले ट्रैक की मेकिंग हुई, फिर मेघना ने तभी भी गाया था, फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रदीप जी ट्रैक तो अच्छा बन गया है, ट्रैक को जस्टिफाई करना है, फिर मेघना ने बहुत रियाज़ किया, बहुत मेहनत की, और सब यही बात कहते हैं, मैं भी वही सेम बात कहूँगा कि मेघना बहुत सुरीली है, जो हम जगह बताते हैं, कंपोजिशन बताते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से गाती हैं, समझ के गाती हैं, सोलफुल वॉइस है, एक आवाज़ में पाकिजगी है, तो बस इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इन्होंने जो सारे जितने भी गाने हैं, कोई दिल का फूल खिला है, फूल शबनम, मिलन तेरा मेरा, ये सारे सॉन्ग्स बखूबी गाए हैं और उसको एक सही अंजाम दिया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। देखिए सबसे हमारा इंटरेक्शन थोड़ा बहुत होता रहता है, मैंने जैसे पर्सनली देखा मेघना को, तो इनका जो पूरा ध्यान है वो पूरा म्यूज़िक की तरफ है, जैसे आजकल के जो लड़कियां हैं नेचुरली वो लोग थोड़ा मोबाइल ज़्यादा देखना या इधर उधर घूमना ये सब, लेकिन मेघना बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रैक्टिस रियाज नहीं, ये एक बहुत बड़ी साधक है। मेरे पास एक छोटा सा बैंड घर पर है, और मेघना बचपन से सुनते आई, और मेघना जब 4 साल की थी वो स्टेज में आकर गाना हमारे साथ गाए, मेरे ख्याल से तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, तो वो गाई, फिर उसके बाद हमारे फिजी में वहाँ पे हमारे बैंक छोटे गुरु, अच्छे बहुत अच्छे गुरु रहे जो क्लासिकल सिखाते हैं, श्री विवेकानंद जी, उनके साथ मेघना को मैं जुटाया, 2 साल तक थी सीखने लगी, उसके बाद मैंने सोचा कि इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं शंकर माधव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस से ये अभी इनको सीख रही है कर्नाटक क्लासिकल, और फिर अपना जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल
वो श्री प्रदीप पंडित जी से सीख रही है। अभी तो बहुत आगे जाना है। ये जो गाना है कोई दिल का फूल खिला है पहली बार, ये गाना मेरे ख्याल से 4 साल से बन रहा है। बन के जब कंप्लीट हुआ गाना, इतना बड़ा हो गया, मैं बोला कि मेघना तुमको और रियाज करना, मेघना को 3 साल और अच्छे से रियाज करके तो जो कुछ गाया है। और मेरे ख्याल से सीजन गुड जस्टिफिकेशन, पर और अच्छे गा सकती है और आगे जा सकती है। अब रियाज करे वो जाने उसका फ्यूचर जाने। ओ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मेघना श्री प्रदीप पंडित जी नंदी जी कि टी सीरीज बहुत बड़े और टी सीरीज हम छोटे से फीजी से आए और हमारा इतना इज्जत बक्सा और मेघना को फेस ब्रेक दिया है इतना बड़े कंपनी में लॉन्च किया है।